12वीं तक बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 1 से 8 तक बच्चों को 500 रुपये, 9वीं में और 10वीं से लेकर कि 1,000 रुपये तक बच्चों को पैसे भी दिए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 11वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक ये हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने मंडला जिले के रामनगर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 225 महीने सरकार रही, जिसमें करीब 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका और कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। ये तमाम आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए हैं। बच्चों की जो शिक्षा है पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना, कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपये हर महीने मिलेंगे, 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1,500 रुपये हर महीने मिलेंगे।